रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में मंगलवार को भारत के छात्र की मौत हो गई। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने जल्द से जल्द रशिया से बात कर भारतीयों को भारत में लाना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति में पहुंचे है और उन पर भी पोलैंड में लाठीचार्ज हुआ है, तो हमको तुरंत बचे हुए भारतीय छात्र को यूक्रेन से और यूक्रेन के अगल बगल के देशों में जो है उन सब को तुरंत वापस लाना चाहिए। दूसरा मुझे कहना है, यूक्रेन में पढ़ने क्यों गए? तो छोटा सा देश है, 3 यूक्रेन मिले तब एक महाराष्ट्र होगा, इतना छोटा है, तो वहां पढ़ने क्यों गए? क्योंकि भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 45,000 ही डॉक्टर की सीट है और रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मलेशिया में जो पढ़ रहे हैं वो MBBS के छात्रों की संख्या 70,000 है, 70। उनका अर्थ कि भारत में हमने मेडिकल पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं की। यहां व्यवस्था करते तो ये जो करोड़ों रुपया जा रहे हैं वो नहीं जाते, लोगों को रोजगार मिलता।